किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग का नवा श्लोक है। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य लक्तं दिवं अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। अन्वय है इसका, कृतारि षड्वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततंद्रिणा तेन लक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषम् वितन्यते। कृतारि षड्वर्ग जयेन, जिसने षड्वर्ग अरि छह शत्रुओं को जयेन जीत कर, वह जो दुर्योधन है उसने अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, जो अगम्य है मानवीम मनु के द्वारा जो उपदिष्ट की गई है उस प्रजापालन की पद्धति को पाने के लिए, पाने की इच्छा करता हुआ अस्त तंद्रिणा, जिसने अपनी तंद्रा को या आलस्य को छोड़ दिया है, उस दुर्योधन ने नक्तम दिवम रात और दिन को विभज्य विभाजित करके नयेन नीति के द्वारा पौरुषम वितन्यते अपने पौरुष अर्थात अपने कर्म को या अपने उद्योग को वो विस्तृत कर रहा है या अपने कार्य को कर रहा है। महाकवि भारवी ने यहाँ दुर्योधन की उद्योग समन्वित नीति का वर्णन करते हुए गुप्तचर के मुख से कहलवाया है कि मनुष्य के जो आंतरिक छह शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, इन छह शत्रुओं को जीतकर दुर्योधन ने अपने वश में कर लिया है और वह जितेंद्रिय दुर्योधन सर्वसाधारण को, जो अगम्य है, उस प्रजापालन की पद्धति का अनुसरण वो कर रहा है। जो मानवीय अर्थात मनो के द्वारा उपदिष्ट पद्धति है उसका वो पालन कर रहा है और उस दुर्योधन ने रात और दिन का यथोचित विभाग करके अर्थात यह कार्य इस समय और यह कार्य इस समय करना है ऐसा निश्चय कर लिया है, उसके अनुसार वह नीति पूर्वक अपना उद्योग कर रहा है। आदर्श राजा का यही राजनीतिक नैपुण्य है कि वह अपने भीतर के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके उद्योग और नीति इन दोनों को परस्पर जोड़कर आलस्य त्याग कर उद्यम करे और अपने सद्गुणों के विस्तार से राज्य में प्रसिद्धि को प्राप्त करे और इसी निपुणता को दुर्योधन अब प्राप्त कर रहा है।